तो हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स में डिस्कस करेंगे बेसिकली कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से नर्व फाइबर्स को कितने टाइप में बांटा गया है। तो इसको बेसिकली सिक्स टाइप में बांटा गया है। पहला है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन है ओरिजिन, फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फिफ्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, यानी नर्व फाइबर का डायामीटर और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स किस तरीके से होता है उसके बेसिस पर उसको बांटा गया है। चलिए, तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता ही है कि इसको हमने सिक्स पार्ट्स में बांटा है, सिक्स डिफरेंट मेथड है ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहेगा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए जो पॉइंट रहेंगे वो अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा। किसी केस में स्ट्रक्चर रहेगा, किसी में डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, किसी में ओरिजिन रहेगा, किसी में फंक्शन रहेगा, किसी में न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा और किसी किसी में डायमीटर और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जिसको एरलैंगजर या गैसर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एरलैंगजर गैसर क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली दो ही तरीके के नर्व फाइबर माने गए हैं। पहला है माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आप कितने टाइप के मान सकते हैं? या तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा, इसका मतलब क्या है? ऐसा नर्व फाइबर जो किससे कवर रहेगा? माइलिन शीथ से, इसके ऊपर क्या होगा? माइलिन शीथ होगी। और दूसरा है आपका नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर और इसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होगी, इट शुड नॉट बी कवर्ड बाई माइलिन शीथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर देखूं तो नर्व फाइबर फिर से दो टाइप के हो सकते हैं, एक सोमैटिक होता है और एक आपका विसरल या ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर होता है। तो सोमेटिक नर्व फाइबर आपके कहाँ मिलेंगे? सोमेटिक नर्व फाइबर आपको पता है आपके स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी जो आपकी विल पावर में है ना, विल पावर में जो है आपके हिसाब से जो मूव करेगी वो सोमेटिक नर्व फाइबर के थ्रू करेगी। और दूसरा है आपका विसरल या ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर, ये करेंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, या कह सकता हूँ मैं स्मूथ मसल को और आपका कार्डियक मसल्स को। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी जो हमारी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन थी, और ओरिजिन के बेसिस पर मतलब कि नर्व फाइबर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो दो ही लोकेशन है, या तो ब्रेन में से होगा या स्पाइनल कॉर्ड में से होगा। अगर ब्रेन में से होगा तो मैं उसको क्रेनियल नर्व फाइबर बोलूंगा, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से होगा? ब्रेन से। और अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है तो उसको मैं स्पाइनल नर्व फाइबर बोलूंगा, और उसको मैं बोल दूंगा उसका ओरिजिन कहाँ से होगा? स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे तीन क्राइटेरिया हो चुके हैं। अब हम फोर्थ क्राइटेरिया को देखते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पर भी दो तरीके से इनको डिवाइड किया सकता है, या तो आप सेंसरी बोल सकते हो नर्व फाइबर, या आप मोटर नर्व फाइबर बोल सकते हो। तो सेंसरी नर्व फाइबर जो है वो क्या करेंगे? सेंसरी नर्व फाइबर आपकी बॉडी के कंप्लीट सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कहाँ लेकर जाएंगे? कहाँ पर लेकर जाएंगे? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, कहाँ पर लेकर जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है? आपका ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। तो सेंसरी नर्व फाइबर्स कैरी द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द CNS, और CNS में आपका ब्रेन भी आता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, ठीक है। इनके एक और नाम बोला जाता है जिनको हम अफेरेंट नर्व फाइबर भी बोलते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें, इसके लिए एक निमोनिक याद कर लें, सेम, ठीक है। सेंसरी मतलब अफेरेंट, मोटर मतलब इफेरेंट, ठीक है। तो दूसरा टाइप है वो है मोटर नर्व फाइबर। मोटर नर्व फाइबर क्या करेंगे? मोटर नर्व फाइबर ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन गई है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद अब हमको कुछ एक्ट करना पड़ेगा। तो बॉडी को कुछ एक्ट कराने के लिए कोई कमांड जिस फाइबर के थ्रू दी जाएगी उसे मोटर नर्व फाइबर बोलेंगे, यानी जो मूवमेंट कराएगा बेसिकली। तो मोटर नर्व फाइबर कैरी मोटर इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज इफरेंट नर्व फाइबर। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इफरेंट नर्व फाइबर बोलते हैं। क्लियर। अब चलते हैं, इसको समझते हैं कि देखिए है।
ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स के फॉर्म में है और ये सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली कैसा होता है, यूनिपोलर होता है, ठीक है। कैसा होता है, यूनिपोलर। और ये इंफॉर्मेशन को ले जाएगा कहाँ पर, सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी के बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में, और दूसरी सेल बॉडी इसको अटेंड करेगी विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट, ठीक है। इसके बाद ये जो न्यूरॉन है जो दोनों के बीच में, सेंसरी और मोटर के बीच में, इसको इंटर न्यूरॉन बोलते हैं और ये जनरली मल्टीपोलर होता है ना, एक से ज़्यादा पोल्स होते हैं, इसमें डेंड्राइट के नंबर ज़्यादा होते हैं। फिर एक्सॉन से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी अगले डेंड्राइट पे, और ये जो अगला डेंड्राइट है ये मोटर का है, और इससे नर्व इम्पल्स चलेगी कहाँ पर, हमारे इफेक्टर मसल्स पर या ग्लैंड पर। मसल तीन टाइप की हो सकती है, स्केलेटल भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है, और कार्डियक भी हो सकती है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन यूनिपोलर का एग्जाम्पल होता है, और जो मोटर न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर का है, और आपका इंटर न्यूरॉन भी मल्टीपोलर का एग्जाम्पल है। तो ये आपको मेन पॉइंट आपको याद रखने, किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है इसका। इसके बाद बात करेंगे हम कैसे नर्व फाइबर्स की, ऐसे नर्व फाइबर्स की जो इनसे क्या सिक्रीट होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी वो केमिकल जिसके थ्रू दो नर्व्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर कोई सब्सटेंस, कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और ऐसे नर्व फाइबर भी दो टाइप के बांटे गए हैं, एक है एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक से क्या रिलीज होता है, एड्रीनर्जिक से जो केमिकल रिलीज होता है उसको बोलते हैं नॉर एड्रीनलिन। क्या बोलते हैं, नॉर एड्रीनलिन। जबकि कोलिनर्जिक की बात करूं तो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर वो होते हैं जहां से क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन। तो दो ही तरीके के मेजर 90% केमिकल रिलीज होते हैं, या तो नॉर एड्रीनलिन या एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब डायग्राम के थ्रू इसको हम समझते हैं थोड़ा। देखिए ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ये है आपकी स्केलेटल मसल। स्पाइनल कॉर्ड से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी वो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगी, मोटर मतलब इन्फॉर्मेशन भेजने वाला, और इसके एंड पर जब इन्फॉर्मेशन को ये मसल को देगा वो कौन से केमिकल के थ्रू देगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड में सोमेटिक नर्वस सिस्टम में कैसा होता है, कोलिनर्जिक। कैसा होता है, कोलिनर्जिक, क्योंकि यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, एसिटाइल कोलिन। अच्छा, ये दो एग्जाम्पल जो ये वाले हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन है जिसका ये क्या है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। तो हमेशा याद रखिए ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पर हमेशा, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिंपैथेटिक हो, है ना। ऑटोनॉमिक दो टाइप के थे, एक था सिंपैथेटिक और दूसरा था पैरासिंपैथेटिक। दोनों ही केस में हमेशा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पर क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कहाँ पर है, वो इफेक्टर ऑर्गन पे है। तो याद रखिए कि सिंपैथेटिक वाले के केस में क्या निकलेगा, नॉन एपिनेफ्रिन, या इसी को बोलते हैं हम नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। NE का मतलब होता है एपिनेफ्रिन। और जबकि पैरासिंपैथेटिक में क्या रिलीज होगा, यहाँ पर सेम एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। तो ये मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा, डिपेंडिंग अपॉन द डायामीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स वाले क्राइटेरिया में, जिसका दूसरा नाम क्या था, एरलैंगजर गैसर क्लासिफिकेशन, क्लियर। तो एरलैंगजर गैसर नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नर्व फाइबर्स को थ्री मेजर टाइप्स में डिवाइड किया था, किसमें, थ्री मेजर टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायामीटर और वी कैन से थिकनेस। फाइबर का डायामीटर क्या है और उसमें वेलोसिटी क्या है कंडक्शन की, ठीक है, यानी इंपल्स कंडक्शन की वेलोसिटी कैसी होगी, इस बेसिस पर क्या कहते हैं उसको, तीन टाइप में फाइबर को बांटा गया। कौन कौन से है जरा देखते हैं। देखिए सबसे पहला है, उन्होंने बोला टाइप ए नर्व फाइबर, टाइप बी नर्व फाइबर और टाइप सी। अगर मैं इन तीनों में देखूं तो जो टाइप ए है वो थिकेस्ट फाइबर है और टाइप सी जो है वो थिनेस्ट फाइबर है। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि सी जो है वो थिन है और ए जो है वो थिक है, ठीक है। टाइप सी फाइबर का एक और नाम है बुक्स में और वो है टाइप फोर फाइबर, भी इन्हें जनरली जाना जाता है, किस नाम से, टाइप फोर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शनल बात है टाइप सी फाइबर की, कि एक्सेप्ट टाइप सी फाइबर ऑल द नर्व फाइबर वेदर इट इज ए और बी
आर माइलिनेटेड, जबकि सी फाइबर कैसा होगा? नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखते हैं टाइप ए को हम फर्दर फोर टाइप सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप ए डेल्टा, जिसको टाइप थ्री भी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ, देखिए टाइप ए नर्व फाइबर को हमने किसमें बांटा, फोर टाइप में बांटा है, और ये फोर टाइप है टाइप ए अल्फा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गामा एंड टाइप ए डेल्टा, ठीक है, जिसमें इनके अदर नेम क्या है। टाइप ए का अदर नेम है टाइप वन, टाइप ए का अदर नेम है बीटा का अदर नेम है टू, और डेल्टा का अदर नेम है थ्री। जबकि टाइप फोर किसका था, टाइप फोर जो था वो किसका था, सी का। ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इंपल्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी इंपल्स की वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हो आप किसी नर्व फाइबर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, थिकनेस ऑफ फाइबर के, ठीक है। जो फाइबर जितना ज्यादा थिक होगा उतना ज्यादा उसका स्पीड होगी उसके अंदर नर्व इंपल्स की, क्लियर। अब बात करते हैं एक चार्ट के थ्रू सारे डेटा को कैसे देखते हैं हम। देखिए इस चार्ट में हमने बहुत अच्छे से सारी चीजों को बताया गया है कि हमने कितने टाइप के पढ़े थे, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ए के चार सब टाइप थे, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, जबकि बी का कोई सब टाइप नहीं था। सी को दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक डॉर्सल रूट में मिलता है और दूसरा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर में मिलेगा, ठीक है। डॉर्सल रूट में मिलेगा और दूसरा मिलेगा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर में मिलेगा, क्लियर। अगर ए अल्फा को मैं देखूं तो ये कहाँ कहाँ पर सप्लाई करेगा, ये मोटर सप्लाई करता है एक्स्ट्रा फ्यूजल स्पिंडल फाइबर और मसल्स में, प्रोप्रियोसेप्शन यानी टच रिसेप्टर्स वगैरह जो होते हैं उनमें, और प्रोप्रियोसेप्शन गोल्जी टेंडन एल ऑर्गन। ये अभी डिटेल में हम और पढ़ेंगे इनको कि कहाँ कहाँ पर इनकी सप्लाई होती है, लेकिन अभी के लिए बस अपना याद रखें मेजर कहाँ पर है। ए अल्फा जो टाइप ए फाइबर है वो बेसिकली एक्स्ट्रा फ्यूजल स्पिंडल फाइबर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद जो तुम्हें रट्टा लगाना है वो है एक्स्ट्रा फ्यूजल स्पिंडल फाइबर, जबकि बीटा वाले किसके लिए हैं, टच प्रेशर प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, ये सेकेंडरी रिसेप्टर स्पिंडल है, जबकि प्राइमरी वाला प्रोप्रियोसेप्शन किस में जाएगा, अल्फा में, क्लियर। इसके बाद गामा की बात करें तो ये भी अल्फा की तरह मोटर है, लेकिन यहाँ पर याद देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है ये इंट्रा फ्यूजल है, ठीक है, जो स्पिंडल्स होते मसल स्पिंडल्स उनके अंदर तक सप्लाई करता है ये। और जो डेल्टा है, डेल्टा से याद रखें डल पेन, कोल्ड टेम्परेचर टच, ठीक है, इसी को बोला गया है टाइप थ्री। बीटा को बोला गया टाइप टू, ठीक है। इनके डायामीटर अगर देखोगे तो धीरे देखिए देखिए डायामीटर 12 से 20 है माइक्रोमीटर, इसका भी ए अल्फा का भी 12 से 13 है, फिर 5 से 12 है, 3 से 6 है। डायमीटर क्या करता जा रहा है, डायमीटर इस एरो से आप समझ सकते हैं घटता जा रहा है, यानी ए से सी की तरफ जाते जाते डायमीटर घटेगा, और डायमीटर और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी तो डेफिनेट सी बात है वेलोसिटी भी कंडक्शन की घटती जाएगी। और यहाँ पर माइलिन शीथ का अगर कवरिंग बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि टाइप सी जो है वो एक्सेप्शनल है टाइप सी, क्योंकि वो अनमाइलिनेटेड है, जबकि एल ए और बी टाइप जो है वो माइलिनेटेड है। जबकि टाइप सी को अगर हम देखें तो टाइप सी कहाँ मिलेगा, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, यानी कहाँ पर, सीवियर पेन वार्म कोल्ड टेम्परेचर, इसी को टाइप फोर भी बोला गया है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए जो हमारा ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं यानी सिंपैथेटिक हो या पैरासिंपैथेटिक हो, उसमें दो तरीके का था। ए देखिए एक था प्री गैंग्लियोनिक, फिर था ऑटोमेटिक गैंग्लिया, उसके बाद था पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक था, पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो यह प्री गैंग्लियोनिक पे कौन से फाइबर मिलेगा, ये टाइप बी फाइबर है याद रखिएगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक पे क्या होगा, है ना, तो चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिंपैथेटिक हो, दोनों में ही प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होंगे, बी टाइप के। जबकि अगर मैं पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करूं किसमें,
सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक की, तो वो हमेशा किस टाइप का होगा? सी टाइप का होगा। कैसा होगा? सी टाइप का। तो ये कुछ डेटा आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चंस जब आप लाएंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो साइंटिस्ट थे अपने, कौन, एरलैंगर गैसर, इन्होंने तीन टाइप में बांटा था, ए बी सी। फिर ए को फर्दर चार टाइप में बांटा गया था, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, जबकि गामा को कोई टाइप नहीं दिया गया है, ये याद रखने वाली बात है। और वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए, जैसे हाईवे पे गाड़ी तेज चलती है क्योंकि हाईवे का डायमीटर ज़्यादा होता है, गलियों में गाड़ी धीमी हो जाती है, तो बिल्कुल इम्पल्स धीमी होगी कहाँ, गलियों में, और हाईवे पे तेज चलेगी। ये आपको याद रखने की ट्रिक आप दिमाग में रख सकते हैं। इसी से हमने कुछ डेटा निकाला है ये लास्ट। तो अगर हम बहुत ही कंसाइज वे में बात करें तो थिकेस्ट नर्व फाइबर कौन सा है? ए। थिनेस्ट कौन सा था? सी। फास्टेस्ट कौन सा था? ए, क्योंकि इसका डायमीटर कैसा था? ज़्यादा था। स्लोएस्ट कौन सा है? सी, क्योंकि इसका डायमीटर कम है। ठीक है, फिर बात करते हैं किस किस काम में आते हैं सेंसरी में। तो पेन सेंसेशन में कौन सा आता है? अल्फा, वो ए का डेल्टा वर्जन, और सी। टच में कौन सा आता है? टच वाले सेंसेशन में ए का बीटा और ए गामा। टेम्परेचर में ए डेल्टा और सी। प्रोप्रियोसेप्शन में आपका ए अल्फा और ए बीटा। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स की मैं बात करूं तो प्रोप्रियोसेप्टर में, अगर हम प्रोप्रियोसेप्टर के हिसाब से देखें तो टाइप 1A और 1B और टाइप 2 फाइबर जो है, यानी टाइप 1A 1A क्या है, ये टाइप 1 ही है दोनों के दोनों, क्योंकि हमने अभी देखा भी था कि वो टाइप ए को दो टाइप में बांट दिया गया था, है ना, उसको सब टाइप में बांटा गया था। ए अल्फा को हमने दो टाइप में बांटा था, ए अल्फा को, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ए अल्फा को हमने दो टाइप में बांटा था, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, आई ए, और एक सब टाइप और था उसका आई बी। ठीक है, और टाइप बोला क्या गया था इसको, कंप्लीट को टाइप वन, और यहाँ पे है टाइप टू, ये क्या है, ए बीटा। तो ये इस तरीके से याद रखना है। फिर आपका मैकेनो रिसेप्टर में टाइप टू टाइप थ्री आते हैं, थर्मो रिसेप्टर में टाइप थ्री टाइप फोर आते हैं, यानी सी सी, और थ्री में कौन आएगा, बी बी। थर्मो और नोसिसेप्टर दोनों में टाइप बी या टाइप थ्री या टाइप फोर, यानी कन्फ्यूज नहीं होना, इसको रिवाइंड करके वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ससेप्टिबिलिटी देखें, मतलब इनका रिएक्शन सेंटर देखें कि कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो प्रेशर के केस में सबसे ज़्यादा कौन रिएक्ट करेगा, ए फिर बी फिर सी। हाइपोक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में कौन करेगा, बी ए सी। लोकल एनेस्थेसिया में सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, सी बी ए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं पूरी फिजियोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा इसी तरीके से कंसेप्चुअली, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी जल्दी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू।